लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन शादी से बचकर भागता है, लेकिन फिर भी गार्ड्स उसे पकड़कर लेकर चले जाते हैं शादी के मंडप तक और उससे कहते हैं कि जाओ दूल्हे के कपड़े पहन कर आओ। फ्रैंकलिन दूल्हे के कपड़े पहने जाता है, लेकिन पहली बार में वो सिर्फ कोट पहन कर आ जाता है, नीचे की पैंट भूल जाता है। लेकिन दूसरी बार दूल्हे के गेटअप में आ जाता है और मजबूरन उसे शादी करने जाना पड़ता है। लेकिन तभी उसका दिमाग चलता है और उसे याद आता है कि वो कुछ करके यहाँ से बच निकल सकता है और जो दूल्हा भाग चुका है उसे वापस लाकर उसकी शादी करवा सकता है डॉन की बेटी से। इसलिए वो डॉन को ऑफर करता है कि भाई साहब तुम जाते क्यों नहीं हो, उस दूल्हे को पकड़ के शादी करवाओ जो दूल्हा भाग गया है। तो डॉन भी फ्रैंकलिन की बातों में आ जाता है और फ्रैंकलिन को पिंचन और चॉप को गिरवी रखकर शिनचैन के साथ जाना पड़ता है उस दूल्हे को ढूंढने के लिए। अगर दूल्हा नहीं मिला तो फ्रैंकलिन ही शादी करेगा। भाई साहब यार शिनचैन अभी तक तूने कुछ सोचा यार? अरे फैमिली यार मेरा तो दिमाग बिल्कुल चल ही नहीं रहा। गाइस यार उसने दूल्हे की फोटो भी भेज दी। वैसे यार तुम लोगों ने दूल्हे की फोटो नहीं देखी ना, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अरे हाँ यार देखी तो मैंने भी नहीं है। रुक जा यार दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये है, एक सेकंड दिखाता हूँ, रुक जा यार। ये देखो गाइस ये है उस दूल्हे की फोटो, देख रहा है शिनचैन तू? देख देख। अरे फैमे हाँ यार देख ली। अरे ये कैसा टकलू सा है, ये थोड़ा बुढ़ा सा नहीं लग रहा? अरे फैमे छोड़ो ना यार, हमें क्या, हमें तो ढूंढ कर लाना है इसे। अबे यार अब इसे ढूंढना कहाँ से शुरू करें? अरे यार पता नहीं, वही वाला तेरा आइडिया इस्तेमाल करें क्या? अरे कौन सा? अबे वही कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई साहब इस बंदे ने हमारी कोई चीज चुरा ली है सीक्रेट सी, या फिर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव सी चीज चुरा ली है, और फिर पुलिस वाले उसको ढूंढना शुरू कर देंगे। अरे फैमे फिर लेकिन तुम ही तो कह रहे थे कि इस प्लान में एक दिक्कत है। हाँ यार एक दिक्कत तो है कि मान ले भाई साहब उसने आकर रिपोर्ट लिखवा दी तो। अरे फैमे लेकिन यार उसको ढूंढने के लिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी गाइस अपने पिंचन और चॉप उसी के कब्जे में है, और अगर उन लोगों को छुड़वाना है तो गाइस यार उसके दूल्हे को मतलब भागे हुए दूल्हे को ढूंढ कर लाना तो पड़ेगा ही। अरे फैमे तो चलो यार अब पुलिस स्टेशन। हाँ गाइस अब तो पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा लगता है। फिलहाल तो मैं माइकल के घर की तरफ आ गया ना। अरे हाँ यार ये तो रहा। ऐसा गाइस ये सब छोड़ो यार, फटाफट अभी निकलते हैं पुलिस स्टेशन। बस यार पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से मना ना कर दे। अरे क्यों यार, तुम कोई मस्त एकदम महंगी चीज बताओगे तो जरूर लिखेंगे। लेकिन क्या बताऊँ? अरे तुम कह दो तुम्हारे गले का हार चुरा कर ले गया वो। गले का हार मेरा? अरे लेकिन सॉरी यार तुम तो गले का हार पहनते ही नहीं। अबे मैं क्या, कोई भी नहीं पहनता गले का हार। अरे तो कह दो यार तुम्हारी पायल चुरा के ले गया। अबे तो पागल वागल हो गया क्या? अरे तो तुम पहनते क्या हो? मैं पहनता हूँ एकदम मस्त वाली घड़ी। अरे तो कह देंगे यार तुम्हारी मस्त वाली घड़ी चुरा कर ले गया। लेकिन घड़ी की चोरी के लिए कौन कंप्लेंट लिखेगा, वो भी 100 रुपए वाली घड़ी। अरे यार क्या बात कर रहे हो। हाँ बे 100 रुपए से महंगी घड़ी नहीं पहनता मैं, उसके लिए कंप्लेंट कौन लिखेगा? अरे उसे क्या पता है तुमने 100 करोड़ की पहनी थी कि 100 रुपए की। अबे हाँ बे सही कह रहा है। अरे फैमे कह देंगे यार हमारी 100 करोड़ की घड़ी चुरा कर भाग गया वो। अबे लेकिन ऐसा कहेंगे तो वो पुलिस वाला हमें ही उल्टा पकड़ लेगा। अरे क्यों यार, कहेगा तुम्हारे पास 100 करोड़ की घड़ी कहाँ से। अरे कह देंगे हम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ हाँ सही कह रहा है। गाइस फटाफट से यार इसी वाली ट्रिक को आजमाते हैं, जल्दी से चलते हैं पुलिस स्टेशन। ओके सो गाइस तुम लोग देख सकते हो यार फाइनली हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। अरे अब ये पुलिस स्टेशन कहाँ है? ये तो रहा यार पहुंच गए। अरे वाह यार तुम्हारी गाड़ी की स्पीड। हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा तेज भगाता हूँ गाड़ी, बस थोड़ी बहुत गाइस गाड़ी कबाड़ी बन जाती है लेकिन तेज भगाता हूँ मैं। अरे चलो अब जल्दी से। ओके चलते हैं। वैसे भी मैंने एकदम कपड़े भी बेहतरीन वाले पहन रखे हैं। भाई साहब पुलिस को बिल्कुल लगेगा ही भाई, पुलिस को शक भी नहीं होने वाला कि मैं भाई कोई करोड़पति नहीं हूँ। अरे अब जल्दी से चलो यार। चलते हैं चलते। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अरे रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा अच्छा ओके सो गाइस फटाफट से अंदर की साइड चलते हैं। रिपोर्ट कहाँ लिखवाते हैं इस पुलिस स्टेशन में? हेलो कोई तो पुलिस वाला ही नहीं है इधर। अरे शायद अंदर होंगे। अरे यार इधर रिसेप्शन पे तो पुलिस वाला है ही नहीं। अरे शायद अंदर होगा इस कमरे में। अरे हाँ यार ठीक है। ओ हेलो पुलिस वाले। अरे यार तुम्हें पता नहीं है किसी के भी रूम में जाते थे नॉक करके जाते हैं। अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। अरे क्या हो गया? अरे भाई जल्दी से हमारा रिपोर्ट लिख। क्या हो गया यार? मेरी घड़ी चोरी हो गई है। अरे घड़ी चोरी हो गई है तो इसमें हमारे पास क्यों आए हो यार, जाकर ढूंढो। अरे मतलब घड़ी किसी ने चुरा ली है, तू जल्दी से भाई चोर को ढूंढ। अच्छा घड़ी कितने की थी? घड़ी पूरे अरे पूरे 100 रुपए की थी। अरे झूठ बोलना था। अरे यार गलती से मिस्टेक हो गई। क्या 100 रुपए की घड़ी के लिए यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आते हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना लात मार के भगाऊंगा। अरे 100 रुपए की नहीं थी वो, 100 करोड़ की थी। चुप रहो, एक ही बात
बार में सच निकल चुका है तुम्हारी जुबान से। चलो बाहर निकलो अभी बुलाओ पुलिस वालों को। अरे फिर चलो भागना पड़ेगा, पतली गली से निकलना पड़ेगा यार। अरे क्या हो गया सर? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, चोरी का माल मिल गया। इतनी जल्दी? हाँ मिल ही गया। अरे यार ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। बस थोड़ी नहीं भाई, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई सिर्फ तेरी वजह से। मैंने कहा था ना 100 करोड़ की घड़ी बोल ली है, तूने 100 रुपए की घड़ी बोल दी बेवकूफ से। अरे फैबे यार वो थोड़ी जुबान फिसल गई, करोड़ अंदर रह गया 100 बाहर आ गया। अरे तू भी क्या है यार, अब क्या करे गाइस। अरे यार दिमाग गरम हो गया है। हाँ यार दिमाग गरम कर दिया इस पुलिस वाले ने, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। चलो यार इधर एक मार्केट भी है ना छोटा सा। अरे फैबे हाँ यार आगे की साइड है। चलो गाइस उधर एक कप चाय पी कर आते हैं। अरे यार अब तुम्हें चाय की चुस्की लेनी है? तो क्या करूँ भाई साहब, दिमाग खराब कर रखा है सबने मिलके। अरे सबने किसने? अरे भाई उधर उसने पगला रखा है उस डॉन के बच्चे ने, इधर ये पुलिस वाले ने भी साथ नहीं दिया, और ऊपर से तू भाई साहब 100 करोड़ की जगह 100 रुपए बोल रहा है। अरे फैमे हाँ यार वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। छोड़ो गाइस इधर काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है, इधर चाय वाला वाय वाला नहीं है क्या? अरे होंगे यार जरूर होंगे। आजा फटाफट से यार चाय पीते इधर किसी की। चाय वाले भाई साहब कोई है क्या? वो लगता तो नहीं है, इधर तो सारे के सारे चटाई वगैरह चश्मे टी शर्ट और शॉक्स वगैरह बेच रहे हैं। अरे फैमे यार वो चाय वाला कोई है कि नहीं यहाँ पर? लगता तो नहीं है यार, छोड़ भाई साहब लगता है कोल्ड ड्रिंक ही खरीदनी पड़ेगी। चाय गरम गरम चाय गरम। ओ भाई कोई चाय बेच रहा है इधर। अरे फैमे लेकिन कहाँ पर? अच्छा इधर, अरे ये तो कॉफी की शॉप है यार। चाय गरम वो पीछे। ओ भाई ये आंटी बेक रही है क्या? आंटी तुम चाय बेक रही हो? पागल हो गया क्या? अच्छा ये बेक रहा है। और भाई साहब चाय देना जरा 2 कप। ठीक है भाई साहब, कितने रुपए वाली? 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली है? चाय में भी ऑप्शन आ रहे हैं। अरे फैमे 10 वाली यार। ठीक है भाई 10 वाली 2 चाय दे। ठीक है सर ठीक है। अरे फैमे यार 1 सेकंड। क्या हो गया बे? अरे यार जरा इसकी शक्ल देखना, बुढ़ा लग रहा है शक्ल से तो। अरे यार वैसे नहीं, मतलब जरा वो मोबाइल निकालना। क्या मोबाइल में क्या भाई? अरे मोबाइल में जो उसने अपने भागे हुए दूल्हे की फोटो भेजी है उससे जरा मैच करना इसकी शक्ल को। अच्छा रुक जाए 1 सेकंड, ये रही गाइस उसकी फोटो। और ओ भाई, अरे फैमे यार ये तो बिल्कुल मैच कर रही है। पे बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो गाइस। अरे क्या बात कर रहे हो सर? अरे 1 सेकंड 2 मिनट हिल मत। ओ भाई सेम टू सेम शक्ल है यार। अरे फैमे अपना काम हो गया। मतलब? अरे मतलब इसी को दूल्हा बनाकर लेकर चलते हैं यार, क्या ही पता चल रहा है। तो क्या पता ये वही दूल्हा हो? अरे फैमे हाँ यार हो भी सकता है। वो तू शादी से भागा है क्या? शादी से? किसकी शादी से? अरे तू अभी तेरी शादी होने वाली थी। अरे पागल हो गया क्या सर? अभी मेरी शादी नहीं हुई और ना ही मैं किसी की शादी से भागा हूँ। तू बहुत ही बड़ा गुंडा नहीं है क्या? नहीं नहीं मैं तो छोटा सा नॉर्मल से चाय बेचने वाला हूँ। अरे फैमे यार इसका मतलब ये उसका हम शक्ल है। अबे उसका डुप्लीकेट। अरे फैमे यार फिर तो मजा ही आ गया। ओ गाइस इसी को बना कर ले चलते हैं दूल्हा। ओ भाई साहब दूल्हा बनेगा तू? अरे मेरे को नहीं करनी शादी किसी से भी। अरे भाई साहब तू बात तो सुन, अगर तू शादी करता है ना तेरे को बहुत ही बड़ा बंगला, काफी सारी गाड़ियां और काफी सारे बॉडीगार्ड्स मिलने वाले हैं। अरे क्या बात कर रहे हो सच में? अरे हाँ भाई साहब सच में। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पागल हो गए हो क्या? अगर ये सब मिलने वाला है तो तुम जाकर कर लो। अरे भाई मैं कर लेता, लेकिन भाई जो दुल्हन का जो बाप है उसकी डिमांड है कि जो लड़का वो एकदम गोरा सा होना चाहिए, तू तो देख ही सकता है। अरे हाँ यार तुम तो देख ही सकते हैं यार, अपने फ्रेंड भैया कितने कलुए हैं। हाँ ये बात तो है, इसीलिए भाई साहब मैं तुझसे कह रहा हूँ भाई, तुझे सच में बहुत ही बड़ा बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। अरे नहीं नहीं फिर भी मैं नहीं करने वाला। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहा। अरे फैमिली आप क्या करे यार? अरे भाई तो तू तुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे साथ में, और बल्कि मैं तुझे देता हूँ पैसा, अभी बता तेरे बैंक अकाउंट में मैं 50,000 ट्रांसफर करता हूँ। अरे फैमिली 50,000 क्या? अबे हाँ कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ट्रांसफर करूँ ट्रांसफर। अरे सच में तुम ट्रांसफर कर दोगे? हाँ बिल्कुल करूँ क्या? अरे हाँ यार करना जरा। ओके अभी ले भाई, तुझे अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो। ओके सो गाइस इसके अकाउंट में मैंने फटाफट से ट्रांसफर कर दिया 50,000, जल्दी से अपना अकाउंट चेक कर अपने मोबाइल पे, आ गए पैसे। अरे हाँ यार सच में 50,000 आ गए हैं। देखा भाई साहब ये तो बस ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी, तो एक बार शादी तो कर ले भाई साहब, बंगला गाड़ी सब मिलेगा तुझे। अरे यार अब ठीक है तुम कह रहे हो तो, बस यही चाहिए था। अरे फैमे चलो यार लेकर चलो इसे पकड़ कर। चल भाई आजा हमारे संग, चल आजा भाई आजा। अरे ठीक है सर, वैसे शादी कहाँ पर है? वो सब तुझे बताएंगे, अभी तो सबसे पहले तेरे कपड़े बदलवाने पड़ेंगे। अरे लेकिन वो क्यों? अरे भाई इन्हीं कपड़ों में जाएगा क्या तू? अच्छा तो बढ़िया कपड़े पहनने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल मेरे जैसे एकदम डिट्टो टिप टॉप। अच्छा ठीक है सर, बताइए कहाँ चलना है? इधर कोई कपड़े की दुकान है? अरे हाँ इधर कोने पर ही है। ओ
ओके सो गाइस फटाफट से उस दुकान में चलते हैं। वैसे हमारी गाड़ी कहाँ गई यार शिनचैन? अरे फैमे यार इधर ही तो छोड़ी थी। कोई सा चुरा नहीं, नहीं कोई सा भी नहीं चुरा के भागा। वैसे गाइस देखो यार ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये रही काफी ज्यादा बड़ी कपड़ों की शॉप। अरे फैमे चले यार इसी के अंदर चलते हैं। वो पकड़ के ला, उसको पकड़ के ला। अरे रुक जा यार अभी पकड़ के लाता हूँ। ए जल्दी आजा भाई, वो माना नहीं क्या, कहाँ गया? अरे यार रुक जा थोड़ा टाइम लगता है यार आने में। अरे कितने ज्यादा स्लो तुम लोग। उधर भाई साहब दुल्हन का बाप इंतजार करे जा रहा है, उधर डॉन पिंचन और चौप को भाई कब्जे में लेके बैठा है, और तुम इधर भाई साहब स्लो स्लो चल रहे हो। अरे फैमे कब्जे में कहा, वो लोग तो मौज में एकदम मस्त खाना ठूस रहे हैं। तो तुझे भी वही होना चाहिए था। अरे हाँ मैं तो चाह ही रहा था यार, लेकिन तुम ही जबरदस्ती लेकर आ गए। चुप हो जा। अरे वैसे यार बताओ तो कपड़े कौन से पहनाओगे मुझे? अरे चल ना भाई साहब अंदर, जोन से मैं कह तो रहा हूँ जैसे मैंने बिल्कुल व्हाइट व्हाइट पहन रखे ऐसे ही तुझे एकदम मस्त सूट पहनाते हैं। उसके बाद तो तू डिट्टो उसके दूल्हे की तरह ही लगेगा जो उसका भागा हुआ दूल्हा है। अच्छा कौन सा भागा हुआ दूल्हा? अरे फैमे इसे ये सब मत बताओ यार वरना मानेगा नहीं। हाँ सही कह रहा है। अरे कोई सा नहीं, मतलब उसने एक सपना देखा था, उसके सपने में एक दूल्हा भाग गया। अच्छा दुल्हन के बाप ने सपना देखा था? हाँ हाँ दुल्हन के बाप ने एक सपना देखा था, उसमें उसका दूल्हा भाग गया, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी जल्दी जल्दी करवाना चाह रहा है, इसलिए तो भाई साहब तुझे हम लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। ओके फटाफट से जा अंदर की साइड चेंज कर गया। ठीक है सर आप बताओ ये कौन सा पहनना चाहेंगे? सबसे महंगा वाला जो है इधर वही निकाल। ठीक है सर अभी निकालती हूँ, अंदर आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं करना डायरेक्ट पहन कर चलना है। ठीक है सर पहन सकते हैं आप अंदर जाकर। अरे मैं कहाँ जाकर पहनूं यार? अबे अंदर जाकर फटाफट से पहन क्या। ठीक है ठीक है ठीक है सर जाता हूँ मैं अंदर। ठीक है भाई जा जा फटाफट से पहन कर आया यार तू। अरे फैमे यार तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगा डॉन? मैं बिल्कुल मान जाएगा यार, उसे जरा सा भी शक भी नहीं होने वाला। अरे लेकिन इसकी आवाज तो अलग होगी। अबे बोल देंगे थोड़ा गला खराब है इसका। अरे हाँ यार सही कह रहे हो। सर कैसा लग रहा हूँ मैं? ओ भाई ओ ये तो, अरे फैमे डिट्टो उसकी तरह ही लग रहा है। सर बताइए जरा ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा सूट है, इतने में तो मेरे पूरे घर का राशन आ जाता है पूरे महीने का वो भी। अरे अब कोई नहीं भाई कोई नहीं, अब तू महंगी चीजों की आदत डाल ले भाई, तू बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा बनने वाला है। अरे सच में सर वैसे काफी हैंडसम लग रहा हूँ, थोड़े बाल होते तो और भी ज्यादा सही लगता, वैसे अच्छा लग रहा हूँ मैं सर। बिल्कुल भाई बिल्कुल जैसा हमें तू चाहिए था वैसा ही लग रहा है, फटाफट से चल हमारे संग। ठीक है सर कहाँ चलना है लेकिन? अरे तू चलना यार अभी फटाफट से, तेरी शादी होने वाली है। अरे सर आज ही और अभी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल आज के आज और अभी के अभी भाई, फटाफट से चल अभी के अभी तू हजारों करोड़ों का मालिक बन जाएगा। अरे फैमे चलो यार जल्दी चलो जल्दी, वैसे भी अपने पिंचन और चौप की जान खतरे में है। अरे कहाँ जान खतरे में है, तू ही तो कह रहा था वो लोग मजे में है। अरे नहीं अगर डॉन का दिमाग खराब हो गया तो यार वो कुछ भी कर सकता है। हाँ ये बात तो सही कह रहा है, तो चलो भाई बैठ जाओ। अरे यार लेकिन तुम लोग तो बैठ गए मैं कहाँ बैठूं? अरे शिनचैन तू छत पे खड़ा हो जाना यार, भाई साहब वो दूल्हे साहब है उनको अंदर बैठने दे। अरे हाँ यार सही कह रहे हो। अरे अंकल आ जाओ बैठो। अंकल? अरे अंकल मत बोल, भैया बोल इन्हें भी। अरे लेकिन ये तो उम्र में तो दादा लगेंगे मेरे। कोई नहीं भाई भैया बोल भाई, जान बचाने के लिए दादा को भी भैया बनाना पड़ता है। अरे भैया बैठो बैठो गाड़ी में बैठो, मैं छत पे खड़ा हो जाता हूँ। थैंक यू बच्चे थैंक यू। अरे ठीक है बैठो बैठो। अरे फैमिली अब चलो यार जल्दी से। ओके सो गाइस फटाफट से यार निकलते हैं हम लोग। अरे यार वैसे लड़की कौन है? अबे छोड़ ना भाई, तुझे करोड़ों से मतलब है, लड़की से मतलब है? अरे हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हो। ओके सो गाइस फटाफट से निकलते हैं यार। वैसे भाई साहब तू बंगला देख के पागलों की तरह हरकतें मत करियो। पागलों की तरह मतलब? मतलब ओ माय गॉड कितना ज्यादा बड़ा बंगला है, ओ भाई साहब कितना बड़ा बंगला है, ऐसे ऐसे मत करियो। ठीक है समझ गया? अरे ठीक है सर नहीं करूंगा। और जो जो मैं बोलता रहूं वहां पर तू बस उसके आगे मुंडी हिलाता रहियो, कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मत बोलियो। ठीक है सर कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई तभी तेरी शादी होगी, तभी तेरे करोड़ों मिलेंगे। अरे हाँ और ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर चूचपड़ मत करना। ठीक है सर ठीक है। ओके सो गाइस चलो यार फटाफट से। भाई साहब यार आज तो मजे आ जाएंगे यार, अपना प्लान फाइनली सक्सेसफुल होने वाला है। मैंने सोचा नहीं था यार भाई इतनी जल्दी अपना प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पर अपना फाइनली प्लान आज तो भाई कामयाब हो जाएगा, और कामयाब होने से भाई साहब कोई रोक भी नहीं सकता। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो। अरे हाँ गाइस क्या कर रहे हो यार, फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फाइनली हम लोग उस डॉन के बच्चे से बचने वाले हैं। हाँ गाइस फाइनली आज तो बच ही जाएंगे, फटाफट से गाइस जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस कमेंट में बताना यार तुम लोगों को क्या लगता है ये डॉन को पता चलेगा? अभी जल्दी से चलते यार उसके घर। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं डॉन के बंगले की तरफ। अरे ये डॉन कौन है? डॉन नाम का भाई एक आदमी है यार। अच्छा अच्छा ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं यार, ये बहुत ज्यादा सिर खा रहा है और बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है। जल्दी जल्दी शादी करा कर और भाई साहब भाग लेते हैं यहाँ से, ना डॉन को हमारे बारे में कुछ पता चलेगा ना हम लोग उसके बारे में कुछ जाने।
जाएंगे। फाइनली आ चुके हैं गाइस बंगले पर। अरे यार इतना ज्यादा बड़ा बंगला, मैंने तुझसे कहा था ना ये सब लाइनें मत बोलियो। अरे हाँ मैं तो भूल गया था, मैं यहाँ पर शादी करने आया हूँ। अबे तू चुपचाप चल, एक्स्ट्रा मत बोल, ठीक है? ठीक है यार, ठीक है। अरे फैमे चलो यार, आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ। अरे सर आप लेकर आ गए इन्हें? हाँ हाँ लेकर आ गया, चुप हो जा तू। आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ, इतना बड़ा बंगला है, आराम से आ जाओ यार, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। अरे ठीक है यार, वैसे एक बात तो बताओ। क्या भाई? ये बंगले वाले पागल है क्या? क्यों? अरे यार जब इतना लंबा चौड़ा रास्ता बना रखा है तो उधर कोने में सीढ़ियां क्यों बना रखी है? अरे तू भाई साहब जब उनका दूल्हा बन जाएगा ना तब पूछियो। ठीक है यार, ठीक है। ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं यार। और ये पिंचन चौप उधर है, अच्छा शायद डॉन के पास ही होंगे। अरे फैमे चलो यार, अब इधर से जाना है। हाँ हाँ पता है। नमस्ते साहब, नमस्ते। अरे यार इनकी तो नमस्ते ही खत्म नहीं होती कभी भी। ओके सो गाइस आ चुके हैं। अरे तुम क्या बंदरों की तरह उछल रहे हो? मैं कहाँ उछल रहा हूँ यार, ऐसे यारों में यहाँ पर। ओके सो गाइस इधर की साइड से चलते हैं। भाई साहब अभी तक मंडप लगा ही पड़ा है, वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आगे हम लोग। अरे यार कोई नहीं, कह देंगे बहुत ज्यादा मेहनत लगी दूल्हे को ढूंढने में। हाँ यार सही कह रहा है। ओके सो गाइस आ चुके हैं भाई। अरे फैमे कैसे हो यार? और भाई साहब कल बिल्कुल एकदम मस्त। हाँ हाँ चुप हो जा। और सर कैसे हो? नहीं यार तुम तो दूल्हा लेने गए थे, कहाँ है दूल्हा? ये तो रहा सर। अरे हाँ यार ये तो वही दूल्हा जिससे हमारी बेटी की शादी होने वाली थी, ये दूल्हा भागा क्यों? गांड्स गोली से उड़ा दो इसे। अबे पागल हो गया क्या? गोली से उड़ाने के लिए थोड़ा लेकर आया हूँ, शादी करवाने के लिए लाया हूँ। अच्छा अच्छा यार मैं तो भूल गया था। अरे यार ये पागल है, बात बात पे गोली से क्यों उड़ा रहे मेरे को? अरे कोई नहीं भाई, सह अमीर बनने के लिए सहना पड़ता है ये सब, ठीक है? अरे ठीक है यार, ठीक है। अरे यार तुम उसे बार बार क्या जाकर समझा रही हो? अबे तू चुप हो जाना भाई, तू जल्दी से शादी करवा यार। अरे हाँ हाँ सही गिरवी से, ये बताओ तुम्हें मिला कहाँ? अरे ये हमें चाय की दुकान पर, मतलब चाय की दुकान पर चाय पी रहा था भाई। अच्छा मेरी बेटी को धोखा देके चाय की दुकान पर चाय पी रहा था? अरे मतलब प्यास लगती है भाई, आदमी को चाय नहीं पी सकता। अच्छा अच्छा। अबे तू ज्यादा देर क्यों लगा रहा भाई, तू ज्यादा दोबारा भाग जाए वो। नहीं नहीं तो जल्दी से शादी करवा। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। अरे फैमे यार वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें? वैसे भाई साहब कल कहाँ से पकड़ कर लेकर आ गया, वैसे सुना था मैंने ये भी काफी बड़ा गुंडा है, तू कैसे इसे झांसे में पकड़ कर लेकर आ गया? तू चुप हो जा यार, तू एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा है? चल भाई चल, ओए जा भाई शादी कर ले। अरे हाँ चलो चलो मंडप में चलो। अरे चलो भाई। अरे फैमे उधर देखो यार, उसकी शादी स्टार्ट हो गई। अरे थैंक यू यार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है फ्रैंकलिन। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं कोई नहीं, ये सब तो होता रहता भाई। क्या सॉरी क्या थैंक यू, अब हम ठीक है फिर चलते हैं। नहीं यार अभी पहले शादी हो तो जाने दो। अरे नहीं वो थोड़ा जरूरी काम था, जा रहे हैं। अरे यार ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ। अरे फैमे चलो चलो यार चलो। अरे बॉस वैसे मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम किया जाना चाहिए। हाँ ये चाय का इंतजाम किया जाना चाहिए, वैसे ये चाय वाला इस वक्त मिलेगा कहाँ? अरे हाँ बॉस। अरे हाँ यार मुझे भी चाय चाहिए। अरे चाय चाहिए, चाय चाय वाला, चाय वाला इधर, चाय वाला है बताओ, 5 रुपए की चाय, 10 रुपए की चाय। भाई साहब। अरे फैमे यार इसने तो सारा पोपट कर दिया। एक सेकंड, ये कौन बोला? ये पता नहीं कौन बोला। एक सेकंड, ये हम उधर से आई है, ये हमारा दूल्हा बोला ऐसा? अब वो पता नहीं। अरे हाँ डैडी यही बोला, पता नहीं क्यों बोला चाय के बारे में। इसका मतलब फ्रैंकलिन। अरे वो चाय मिली नहीं उसे तो चाय चाय बोल रहा है, थोड़ी देर बैठा था ना चाय की दुकान पे। फ्रैंकलिन मुझे पागल समझा है, ये तुम किसी और को उठा कर लाए हो। तुझे कैसे पता चल गया? अरे यार उसकी हरकतों से ही। अरे हाँ डैडी ये कब से फालतू बोले जा रहा है और कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ शादी करके अमीर बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, कब से मेरे से यही कह जा रहा है। अरे इसका मतलब फ्रैंकलिन गार्ड्स या फ्रैंकलिन को बंदूक के नोक के नीचे रखो। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, तुम एक चाय वाले से मेरी बेटी की शादी करवाने वाले थे। अरे यार वो क्या करूं, दूल्हा मिला ही नहीं। दूल्हा नहीं मिलेगा तो तुम क्या चाय वाले से शादी करवा दोगे? तो खराबी क्या है, उसके जैसी शक्ल है। अरे जो तुम्हें पता है मेरा जो दूल्हा था वो काफी बड़ा गुंडा है और वो इस शहर पर राज करता है, राज, और तुम एक चाय वाले से शादी करवाने वाले थे मेरी बेटी की। अरे यार। अरे फैमे यार अब तो बुरे फंस गए, अब क्या होगा? अब तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, गार्ड्स ले जाकर इसे भून डालो गोलियों से। अरे वो बात, एक मिनट बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। क्या है? एक मौका और मिलेगा, एक मौका। अरे हाँ यार एक मौका और दे दो भाई साहब, एक मौका और दे दे भाई साहब, इस बार तो पक्का तेरे दूल्हे को लाएगा सर, किसी चाय वाले किसी कबाड़ी वाले को नहीं लेकर आएगा यार। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, गार्ड्स भून डालो इसे। अरे
अरे भाई सच में यार, इस बार असली में पकड़ के लाऊंगा तेरे भागे हुए दूल्हे को। कैसी बात कर रहा है, और इस चाय वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे असली दूल्हे को पकड़ के लाऊंगा। भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं अभी पकड़ के ले आऊंगा। भाई छोड़ दे प्लीज। ठीक है गार्ड्स, छोड़ दो इसे। ओह फाइनली गाइस बचा, लेकिन ध्यान रहे फ्रैंकलिन, इस बार धोखा किया तो जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है ठीक है, और चाय के वाले के बच्चे चल तू हमारे साथ। अरे यार वैसे अभी तो मेरा अमीर बनना बाकी है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा तू जिंदगी भर। तू सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए की चाय बेचता रही हो, तेरी किस्मत में ना अमीर बनना। ठीक है भाई दूल्हे को पकड़ के लाता हूँ, और ध्यान रहे तुम्हारे पिंचन और चौंप हमारे ही कब्जे में, भागने की कोशिश मत करना। ठीक है भाग के जाऊंगा, अभी काम है। अरे फैमिली चलो चलते हैं गाइस। वापस से हम लोग वहीं पर आके खड़े हो गए। अरे हाँ यार वापस उसी औकात पे, ये दूल्हे को ढूंढते रहो। अच्छा खासा मिल गया था, 2 मिनट में होने वाली थी शादी। भाई साहब नहीं भी होती बाद में पता चलता, अगर हम लोग यहाँ से निकल जाते तो कोई गड़बड़ भी नहीं होती, लेकिन इस गधेड़े ने एंड वक्त पे 5 रुपए की चाय ले लो 10 रुपए की चाय ले लो दिमाग खराब कर दिया इसने। अरे फैमिली हाँ यार सही कह रहे हो, बेवकूफ कहीं का, अब क्या करे यार। अरे अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे वो दरवाजा खुला था। अरे हाँ बिल्कुल, तो मैं कूद के क्यों आया यार। और भाई सब एक तो इस चाय वाले के बच्चे पे गुस्सा आ रही है। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो यार, तेरे को मारू ना तो क्या करूं। भाई साहब सारा प्लान फेल कर दिया इसने, अच्छा खासा हमारा प्लान जा रहा था। फिलहाल तो गाइस तुम लोग देख सकते हो यार, वापस से हम लोग उसी सिचुएशन में आ चुके हैं जब हम लोगों को उस दूल्हे को ढूंढना है। अरे फैमिली अब करे तो करे क्या, अब क्या यार वापस से दूल्हे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों अगर आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दो। अरे हाँ गाइस फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करो, और गाइस याद से ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। अरे हाँ गाइस ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। अरे फैमिली वैसे मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया है। अच्छा क्या आइडिया? अरे ऐसा आइडिया जिससे वो दूल्हा पक्का मिल ही जाएगा। अच्छा अरे फैमिली हाँ यार चलो चलो जल्दी से लेकर आते हैं।